आज हम ये मटन लिया हो, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हो गया ऑनियन, ये भाजा हुआ ऑनियन, टमाटर है इसमें, हम इसको ग्रेवी बनाएंगे मटन कड़ी के लिए। ये हम मटन कड़ी, आज का रेसिपी मज़ेदार होने वाला है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रेसिपी आप लोग घर में भी बना सकता है। मैंने गैस ऑन कर दिया हूँ, अभी इसमें तेल भी डाल दिया हूँ, तेल गर्म हो रहा है। अभी इसमें हम डालेंगे ये मरीच और उसके साथ हम डालेंगे तेज़पत्ता। अभी इसको हम थोड़ा लाल होने के लिए पकाएंगे। ये लाल हो गया, अभी हम इसमें डालेंगे प्याज ऑनियन, इसको थोड़ा हम भून लेंगे लाल होने तक। ये जो टमाटर और ऑनियन हमने भुना हुआ था ना, इसको हम पेस्ट बना लिया हूँ, अभी इसको हम डालेंगे। ये अभी हम इन्हें अच्छा से दो आलू काट लिया हूँ, अभी हम यहाँ पे आएंगे। ये हो गया प्याज, तो अभी हम लाल हो गया है, अभी इसमें हम डालेंगे ये लाल मिर्च। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, इसको हम थोड़ा भुनेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा अभी हो गया, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी हम थोड़ा भून लेंगे। अभी जीरा पाउडर डालेंगे, ये हो गया। अभी इसके साथ हम मीट मसाला डालेंगे, ये MDH का मीट है, मीट मसाला हम डालेंगे, भूनेंगे इसको। ये अभी हम डालेंगे गरम मसाला, इसको हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम बाद में थोड़ा वो लौंग इलायची डालेंगे ना, अभी हम इसको थोड़ा मिला लेंगे। अभी हम ये हो गया, अभी मीट डालेंगे इसमें, हाँ 1 किलो मीट इसमें हम डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा मिलाएंगे ऐसे करके, ये फ्राई हो रहा है और हम इसको थोड़ा मिला लेंगे, करके थोड़ा मिलाएंगे और फिर ढक देंगे हम इसको देंगे। ये अभी हम इसको डालेंगे, ये जो टमाटर और ऑनियन का पेस्ट है ना, इसमें हम डालेंगे, मिलाएंगे और उसके साथ ही साथ हम ये आलू भी डालेंगे और उसके साथ नमक भी डाल देंगे, जितना मर्जी आपका जितना स्वाद है उतना ही डाल सकते हैं आप, इससे ज़्यादा मत डालिए ख़राब हो जाएगा। अपने के लिए ढक देंगे। ये मटन कड़ी रेसिपी तैयार हो गया है, अभी हम इसमें डालेंगे ये गरम मसाला हुआ भुना हुआ है, इसको हम डाल दिया, अभी 2 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे। मटन करी तैयार हो गया है। अगर मेरा ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।